चलिए, अभी जो क्वेश्चंस थे अपने आर एफ कॉन्फ़िगरेशन वाले ना, अब इनके आंसर्स हमको देखने हैं। तो कौन सी चीज़ इसमें प्रायोरिटीज लिखी हुई हैं, प्रायोरिटी रूल्स अपन देख चुके हैं ना, तो वन बाय वन अपने को आंसर करना है। कहीं कहीं पर वो लाइट का शेड आएगा, बट क्वेश्चंस आपके पास हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें कौन सी चीज़ है, जैसे ये आयोडीन की प्रायोरिटी वन, ब्रोमीन की टू, क्लोरीन की थ्री एंड हाइड्रोजन की फोर। और हाइड्रोजन ऑलरेडी कहाँ पर लगा हुआ है, डैश पर, दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तुम बोलेंगे वन से टू से थ्री, क्या हो जाएगा, दिस इज क्लॉकवाइज, और हाइड्रोजन ऑलरेडी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर था, तो कॉन्फिगरेशन हम डायरेक्टली असाइन कर पाएंगे, क्लॉकवाइज था तो उसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज आर। ठीक, समझ आ गया ये। फिर इसके बाद सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ये क्या है, ओ एच, तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसकी प्रायोरिटी वन हो गई। ये NH2 नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसकी प्रायोरिटी टू हो गई। ये फेनाइल ग्रुप है, उसको डुप्लीकेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रूल नंबर वन ही लग रहा है सीधे, इसकी प्रायोरिटी थ्री हो गई क्योंकि ये सीरो सेंटर से कार्बन से कनेक्टेड था। और ये हाइड्रोजन, इसकी प्रायोरिटी क्या है, दैट इज फोर। समझ आ गई बात ये। बट इस बार ये लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पर है, तुमने बोला ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं है, तो अपन ने कौन सी चीज देखी थी, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे अपन, म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं। तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर फिनाइल की जगह पर, फिनाइल आ जाएगा कहाँ, हाइड्रोजन की जगह पर, इससे क्या हो जाएगा, दिस कन्वर्ट्स इनटू इट्स इनेंशियमर। ठीक है, आप देख लो इसको, पीएच को यहाँ इमेजिन कर लो, एच को यहाँ कर लो, क्या हो जाएगा ये वन से टू से थ्री, क्या हो जाएगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। पर एंटी क्लॉकवाइज किस में आ रहा है, इनेंशियमर ऑफ द ओरिजिनल कंपाउंड, तो इसके इनेंशियमर का कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, दैट इज एस, तो इसका क्या आ जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। समझ आ गया है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला देखेंगे, तो इसमें क्या है, एस एच की प्रायोरिटी वन है ना, रूल नंबर वन के बेसिस पे ओ एच की टू हो जाएगी, एन एच टू की थ्री हो जाएगी। अब सी ओ एच में फिर से कोई डुप्लीकेशन का मतलब नहीं क्योंकि सीरो सेंटर से कनेक्शन किसके थ्रू था, दैट इज वाया कार्बन। ठीक है, तो कौन सी चीज है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप फिर से कहां पर है, डैश पर प्रेजेंट है, तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कॉन्फिगरेशन कैन बी असाइंड डायरेक्टली वन से टू से थ्री, क्या दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सी चीज हो जाएगी, इसका कॉन्फिगरेशन डायरेक्टली एस हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज एस कॉन्फिगरेशन। आगे समझ में है ना। इसके बाद फिर ये फोर्थ वाला जो है, इसमें कौन सी वाली चीज अपन बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये एस एच की प्रायोरिटी वन हो जाएगी। फिर सी एच टू एस एच में कार्बन पर सल्फर डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो क्या रहेगा, हायर एटॉमिक नंबर वाला, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी डुप्लीकेशन के बाद भी कौन सी चीज रहेगी, तो हम बोलेंगे सल्फर वाली ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। तो कौन सी चीज है यहाँ पे, दिस इज वन, दिस इज टू, ये हो जाएगा थ्री एंड हाइड्रोजन इज फोर। अब फिर से हाइड्रोजन कहां पर नहीं था, डैश पर नहीं था, तो क्या करेंगे हम, हमने बोला एच को इधर ले गए, ये इधर आ गया है ना, तो थ्री आ जाएगा, फोर की जगह फोर आ जाएगा, थ्री की जगह क्या हो गया, इसका इनेंशियमर बन गया। अब क्या है, वन से टू से थ्री है ना, थ्री यहाँ आ चुका था, तो वन से टू से थ्री क्या हो गया, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और ये किसका है, इनेंशियमर ऑफ द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इनेंशियमर का कॉन्फिगरेशन क्या आ रहा है, एस आ रहा है, इसलिए ओरिजिनल मॉलिक्यूल का क्या आ जाएगा, दैट इज आर। आगे समझ में है ना। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर फाइव है, फिशर प्रोजेक्शन है, इसमें थोड़ा ज्यादा इजी पड़ता है, और प्रायोरिटी दे दी क्लोरीन की फोर है क्योंकि सारे हेलोजन ही हैं, तो आयोडीन वन, ब्रोमीन टू, क्लोरीन थ्री, क्लोरीन फोर, और कहां पर है, वर्टिकल पोजिशन, मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो कौन सी चीज है, सिंपल, आई वन से टू से थ्री, दैट इज क्लॉकवाइज, डायरेक्टली कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, इट इज आर। समझ आ गया है ना। इसके बाद फिर सिक्स वाला है, इसमें क्या है, ओ एच की प्रायोरिटी वन है, इथाइल की टू है, मिथाइल की थ्री है, और हाइड्रोजन की फोर है। हाइड्रोजन जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, लेकिन कहाँ पर है, दैट इज एट हॉरिजॉन्टल पोजिशन, तो क्या बोलेंगे हम, जो भी कॉन्फिगरेशन आएगा उसका उल्टा हमको रिपोर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, वन से टू से थ्री, दिस इज क्लॉकवाइज, मतलब आ रहा है आर, तो रिपोर्ट क्या करेंगे हम, दैट इज एस। समझ आ गई बात ये है ना, गोल्डन रूल बताया था मैंने आपको। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है, दो कायरल कार्बन है, तो इसमें आप आईयूपीएसी काउंटिंग ऊपर से करो चाहे नीचे से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, होगा क्या यहाँ पर,
हम बोलेंगे भाई OH इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1, COOH की प्रायोरिटी 2, हाइड्रोजन की 4, और जो नीचे वाला ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, दैट इज 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज, है ना भाई, टू ऊपर है, 1 से 2 से 3 क्या है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्या आ रहा है, दैट इज एस, तो रिपोर्ट करेंगे उल्टा, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पर कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज आर। ठीक है, तो 2 जो रहेगा वो कहाँ से आया, IUPAC से, नंबरिंग से, ना, क्या था, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो कार्बन नंबर 2 पर क्या आ गया, दैट इज आर कॉन्फिगरेशन। ठीक है, इसको देखा हमने, क्या हो जाएगा यहाँ पे OH की प्रायोरिटी 1, COH की 2, इस ग्रुप की 3, तो 1 से 2 से 3 क्या है, दिस इज क्लॉकवाइज। लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो जो आ रहा है उसका उल्टा हम रिपोर्ट करेंगे, आ क्या रहे हैं यहाँ पे, दैट इज व्हाट आर, तो उल्टा रिपोर्ट किया तो क्या आ जाएगा, दैट इज एस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो कार्बन नंबर 2 पर क्या आ जाएगा, दैट इज आर, और कार्बन नंबर 3 पर क्या आ गया, दैट इज एस। समझ आ गई बात, ये तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, तो हम बोलते हैं क्या होता है, दिस इज व्हाट, दैट 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसमें कार्बन नंबर 2 पर कॉन्फिगरेशन क्या था, दैट इज आर, कार्बन नंबर 3 पर कॉन्फिगरेशन क्या था, दैट इज एस। ठीक है, तो इसमें नाम के आगे क्या लिख देंगे, इट इज 2R3S, दैट इज इन पैरेंथेसिस। समझ आ गई बात, ये है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2R3S ब्यूटेन 2,3 डाईहाइड्रोक्सी, ना, ब्यूटेन 2,3 डाईहाइड्रोक्सी 1,4 डायोइक एसिड। समझ आ गई बात, ये क्लियर हो गया, इट इज, है ना, ब्यूटेन 2,3 डाईहाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा, इट इज 1,4 डायोइक एसिड, और इसके आगे कौन सी चीज, दैट इज 2R N3S, वो किसमें लिखना है अपने को, पैरेंथेसिस, दैट इज उसका कॉन्फिगरेशन। समझ आ गई बात, ये है ना, इसके बाद फिर एट वाला जो है, अब इसमें क्या है, ये वाला कार्बन तो उसी से मैच कर रहा है ना, ऐसा कैसे, ये तो इसका कॉन्फिगरेशन आर आ जाएगा, इसका क्या निकाला था, एस, तो इधर एच आ गया, इधर ओ एच, तो इसका क्या आ जाएगा, आर। अब मेथड देख ही चुके हैं अपन, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गई बात, ये है ना। इसके बाद जैसे नाइन्थ वाला क्वेश्चन फिर से डायरेक्टली हो जाएगा, ओ एच का प्रायोरिटी 1, सी ओ एच की 2, पी एच की 3, हाइड्रोजन की 4, तो 1 से 2 से 3 क्या है, दिस इज क्लॉकवाइज, एच कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप, तो क्या बोल देंगे हम, जो कॉन्फिगरेशन आ रहा है उसका उल्टा, मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज एस। समझ आ गई बात, ये है ना, एक चीज जो मैंने आपको क्वेश्चन में और बोली थी कि इनके आपको क्या बनाते चलने हैं, इनेंशियोमर्स बनाते चलने हैं, तो बना पाओगे आसानी से, 9 तक का एक बार मैं आपको बता देता हूँ सिंपल, क्या करना है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे एच और सी एल, इनको इंटरचेंज कर दो, काइरल कार्बन पर किन्हीं भी दो ग्रुप्स की पोजीशन को इंटरचेंज करने से कंपाउंड किसमें बदल जाता है अपने, इनेंशियोमर में। ठीक है, तो यहाँ पर एच और सी एल इनको इंटरचेंज कर देंगे तो इसका इनेंशियोमर बन जाएगा, फिर कौन सी चीजें, यहाँ पर एच और पी एच इनको इंटरचेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, इसका इनेंशियोमर बन जाएगा, वैसे के वैसे यहाँ पर भी कौन सी चीज है, इन दोनों को, मतलब किन्हीं भी दो ग्रुप्स का इंटरचेंज, तो क्या बन जाएगा, इसका इनेंशियोमर, फिर कौन सी चीज हो जाएगी, यहाँ पर भी आप ये वाला एक्सचेंज कर दो, इसका इनेंशियोमर बन जाएगा। कंफर्मेशन के लिए आप क्या करोगे, जो इनेंशियोमर बनाते जा रहे हो इसका क्या निकाल लो, आप कॉन्फिगरेशन निकाल लो, ऑपोजिट आना चाहिए, तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो उसका इनेंशियोमर बन जाता है। ठीक है, फिफ्थ वाले में भी क्या करोगे, बी आर सी एल इनकी पोजिशन को बदल दिया, या एफ और आई इनकी पोजिशन, एक काइरल कार्बन पर किन्हीं भी दो ग्रुप्स के एक्सचेंज से कंपाउंड किसमें बदल जाता है अपने, इनेंशियोमर में, है ना। सेम ऐसा कैसे सिक्स में भी कर लेना आप। ठीक है, फिर ये सेवेंथ जो है, इस सेवेंथ में क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या आ रहा था, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो क्या रहेगी, इस पर सुपर इम्पोजेबल होती है। ठीक है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, सेवेंथ वाले में क्या नहीं होगा, इनेंशियोमर नहीं बनेगा। आगे समझ में, एट वाले में क्या हो जाएगा, इसकी मिरर इमेज, तो हम बोलेंगे OH ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला OH इधर आ जाएगा। समझ आ गई बात, ये तो क्या बन जाएगा, इसका इनेंशियोमर बन जाता है। वैसे यहाँ पर एच और OH को आप इंटरचेंज कर दो, या PH और COH को इंटरचेंज कर दो, तो क्या बन जाएगा, इसका इनेंशियोमर बन जाता है। समझ आ गई बात, ये है। इसके बाद फिर ये टेंथ वाला है, तो टेंथ वाले में भी सिंपल है, CH की प्रायोरिटी 1 है, इस ग्रुप की 2 और मिथाइल की 3, 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज है, हाइड्रोजन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, तो क्या रिपोर्ट कर देंगे हम इसका उल्टा, तो यहाँ पे 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज है, तो कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, दैट इज एस। ठीक है,
वैसे अगर वैसे इसको देखेंगे तो इसमें क्या है वन, ऊपर वाला ग्रुप टू, तो इसमें क्या हो रहा है जैसे एंटी क्लॉकवाइज, और हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, दैट इज आर। समझ आ गया ये, है ना। इसके बाद फिर ये इलेवेंथ वाला है, इलेवेंथ से दो ब्रोमीन लगे, क्या हो जाएगा इसकी ब्रोमीन की प्रायोरिटी वन, इसकी प्रायोरिटी टू, इसकी थ्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दिस इज वन से टू से थ्री, क्या दिख रहा है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, हाइड्रोजन कहाँ है हॉरिजॉन्टल पोजिशन पर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो उल्टा रिपोर्ट करेंगे, दैट इज आर। इसका आर आ रहा है, इसमें कौन सी चीज है, इसकी प्रायोरिटी वन, इसकी टू, इसकी थ्री, कौन सी चीज है वन से टू से थ्री, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, वन से टू से थ्री, हाँ ये क्या है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा दिस इज आर नॉट एस, इसका कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा दिस इज आर। समझ आ गई बात, ही नाम एक बार लिखना सिखाई दिया मैंने, कौन सी चीज दोनों कार्बन कार्बन आइडेंटिकल है, तो काउंटिंग आप आईयूपीएसी वाली ऊपर से चालू करो चाहे नीचे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ जाएगा, इट विल बी टू आर थ्री आर, है ना, पेरेंथेसिस में, बाकी तो नाम नॉर्मल।